So now we will talk about the next terrestrial habitat, that is the mountain or पोलर रीजन. माउंटेन रीजन से हमें सबको क्लियर है, इट इज द हिली रीजन, कि हम हिली रीजन की बात करने जा रहे हैं. पोलर रीजन, पोलर इज इट कुड बी नॉर्थ साइड ऑफ अर्थ एंड साउथ साइड, साउथ एंड जो होता है दैट आर कॉल्ड एज पोलर रीजन. ठीक है, ये एक्सट्रीम नॉर्थ और एक्सट्रीम साउथ में पोलर रीजन्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ माउंटेन रीजन हिली रीजन्स है, कैसा क्लाइमेट होगा? ऑफ कोर्स इट विल बी एक्सट्रीमली कोल्ड, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, विंडी होगा. ठीक है, लो टेम्परेचर रहेगा वहां पे, यूजुअली साथ के साथ स्नो रीजन्स होंगे. ठीक है, स्नो रहती है फॉर मे मंथ्स, वहां पे जो सरफेस होती है वो कवर रहती है फॉर मंथ्स. ठीक है, काफी मंथ्स, जैसे कि ये विंटर मंथ्स होते हैं स्पेशली इन दैट टाइम. पोलर रीजन अगेन वेरी लो टेम्परेचर, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर. ठीक है, जहां पे मोस्टली क्या रहती है, सरफेस कवर्ड रहती है विद स्नो, स्नो कवर्ड रीजन होता है ये. क्लियर बेटा? सो हिली एरिया, माउंटेन रीजन की बात कर रहे हैं, तो कॉमन हमारे माइंड में क्या नेम आते हैं कि वहां पे कौन से ट्री होंगे, स्पेशली द फर ट्री एंड कॉन शेप्ड ट्री, राइट? हमने पढ़ा है ये सब, ये सारे ट्रीज प्रेजेंट होते हैं इन टू द माउंटेन रीजन. माउंटेन रीजन के आसपास वहां पे कैसा जो लोकेशन है उनका, लैंडस्केप कैसा होता है बेटा? दैट इज दे कंटेन्स वैली, रॉकी स्लोपी सा एरिया होता है. जब हम जाते हैं माउंटेन रीजन में, हम वहां पे देखते हैं, वी क्लाइंब द माउंटेन्स, हम क्लाइंब करके उसको चढ़कर जाते हैं. ओके, इट्स क्वाइट स्लोपी फ्रॉम द सरफेस. सो क्लियर है माउंटेन रीजन कैसा होता है, पोलर रीजन कैसा होता है? दोनों में टेम्परेचर लो रहता है, विंड काफी स्पीड से चलती है इन द माउंटेन रीजन. नाउ वी विल टॉक अबाउट द अडेप्टेशन इन प्लांट्स. अडेप्टेशन इन प्लांट्स की बात करते हैं इन द माउंटेन रीजन, कैसे कैसे प्लांट्स अडेप्टेड हैं. कौन से मेन प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम? फिर एंड पाइन ट्रीज. ठीक है, क्या कंडीशंस है बेटा, किन कंडीशंस की वजह से वहां अडेप्टेड है? दे आर हैविंग स्लोपिंग ब्रांचेस. वाई स्लोपी, क्यों स्लोपी होता है, क्यों प्लांट होता है? सो दैट कि उस रीजन में काफी हाई अमाउंट की रेनफॉल होती है, जिस वजह से वो उनकी ब्रांचेस क्या होती हैं, स्लोपी होती हैं या फिर कोन शेप्ड होती हैं. ठीक है, ये कोन शेप्ड होता है उनका ट्री, लाइक दिस ओनली, वी कैन सी दैट इन द डायग्राम ऑल्सो. सो स्लोपी कंडीशंस की वजह से वहां पे जो भी वाटर गिरता है, स्नोफॉल होती है, वो प्लांट के ऊपर एक लेयर नहीं बनाती, वहां पे रुकता नहीं है, वो स्लिड होकर, स्लाइड ऑफ होकर नीचे चला जाता है. सो दैट कि वो प्लांट्स इन कंडीशंस में, मॉइस्ट कंडीशंस में सरवाइव कर सके. और इनके लीव्स भी कैसे होते हैं बेटा? दे आर द नीडल शेप्ड. जो लीव्स हैं वो नीडल शेप्ड के होते हैं. वाई? क्योंकि वो उनको क्या देते हैं, कोन शेप्ड अपीयरेंस देने में हेल्प करते हैं. और क्या है बेटा, इन विंटर कंडीशंस जो ये प्लांट्स होते हैं, दे शेड ऑफ देयर लीव्स. जब स्नो पड़ती है वो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं. वेन एवर समर कम्स, वो उसके बाद दोबारा से उनपे ग्रीनरी आती है, वो प्रॉपर ग्रो करते हैं एंड दे बिकम मोर एक्टिव इन द समर सीजन ओनली. ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके लिए वो टेम्परेचर कंडीशंस क्या है, दे आर फेवरेबल. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, दैट इज द अडेप्टेशन इन एनिमल्स. हमने जो माउंटेन कंडीशन, पोलर रीजन की बात कर रहे हैं, उनमें कौन कौन से एनिमल्स सरवाइव कर सकते हैं इन दैट वेरी कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस. फॉर एग्जाम्पल, स्नो लापोर्ड, याक, पोलर बियर,
ये कहाँ सरवाइव करते हैं बेटा, जहां पे टेम्परेचर वेरी लो हो, मींस जहां पे स्नोफॉल होती है, इन दैट रीजन ये एनिमल सरवाइव करते हैं. मीन्स लो टेम्परेचर, इट कुड बी बिलो जीरो, जीरो से भी कम टेम्परेचर होता है, जो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम रीजन कवर रहता है विद द स्नो. एट दैट टाइम दीज थ्री एनिमल्स मोस्टली फाउंड इन दैट रीजन, ये ही वहां सर्वाइव कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द माउंटेन गोट, शीप, माउंटेन काउ एंड बफेलो. ठीक है, ये कहाँ सरवाइव करते हैं, जहां पे टेम्परेचर थोड़ा ठीक होता है, मींस माउंटेन रीजंस इन विच दे कैन बियर द कोल्ड कंडीशंस एज वेल एज द मॉडरेट कंडीशंस, इन नॉर्मल कंडीशंस में भी और कोल्ड कंडीशंस, नॉट वेरी कोल्ड बट नॉर्मल कोल्ड कंडीशंस में ये एनिमल्स अडेप्टेड होते हैं, दे कैन सरवाइव देयर. So we will discuss about the characteristics of snow leopard and polar bear. हम उनके characteristics discuss करेंगे जो ये low temperature में कैसे survive कर सकते हैं, जैसे हमने camel के किए हैं, why they can survive in the desert conditions. They have first number one, they have thick fur on their body. उनकी body fur covered होती है, जो उनको क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं इन दिस सो वर्स्ट क्लाइमेट कंडीशंस, जो उनको अडैप्ट करके रखते हैं ये फीचर्स की वो सरवाइव कर सके इन एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर. ठीक है, दे हैव पैडेड फीट आल्सो. पैडेड फीट क्या करते हैं बेटा, दे हेल्प देम टू मूव ऑन द स्नो, उस पे वॉक करने में उनको हेल्प करते हैं. अदर पैडेड फीट नहीं होते तो उनके भी वहां पे स्नो के अंदर फीट चले जाएंगे, जैसे हमारे चले जाते हैं. तो हम दूसरे बूट्स पहनते हैं, गम बूट्स वगैरह पहनते हैं, सो हम भी दूसरे शूज पहन के जाते हैं अगर आपको स्नो पे वॉक करना हो. सो हेयर द स्नो लैपर्ड एंड पोलर बियर, दे हैव द पैडेड फीट सो दैट दे कैन इजिली मूव ऑन द स्नो लैंड. थर्ड फीचर दैट दे हैव व्हाइट स्किन. व्हाई व्हाइट स्किन किससे मैच हो रही है, इट इज मैचिंग विद द स्नो सो दैट दे कैन हाइड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रिडेटर, और दे कैन हाइड देमसेल्फ विद द सॉयल सो दैट दे कैन कैच देयर प्रे. वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी इन व्हाइट कंडीशन, व्हाइट कलर स्किन का फायदा उठाते हैं एंड दे फीड ऑन देम. सो एक और एनिमल की भी बात कर लेते हैं जो हमने बताया था, दैट इज द याक. याक के बेटा कैसी स्किन होती है, उसकी स्किन पे लॉन्ग हेयर होती है, फर टाइप. क्या करते हैं लॉन्ग हेयर, उसकी बॉडी को इतने थिक होते हैं कि उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, और उसको अंदर से उनकी बॉडी को वार्म्थ पहुंचाते हैं, मींस गर्मी पहुंचाते हैं. सो दिस इज अबाउट द स्नो लैपर्ड एंड पोलर बियर एंड द याक एनिमल्स विच लिव इन दिस क्लाइमेटिक कंडीशंस, इन वेरी लो एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द माउंटेन गोट. ठीक है, माउंटेन गोट कहाँ रहती है, मॉडरेट कोल्ड कंडीशंस में. ठीक है, बेरेबल जो होती है कोल्ड कंडीशन में वहां रहती है. माउंटेन रीजन्स है, हिली रीजन्स है, तो स्लोपी रीजन्स है साथ में. ठीक है, सो दे हैव स्ट्रॉन्ग हूव्स. क्या होते हैं, देयर फीट, जिसकी वजह से वो इजिली क्लाइम कर सकते हैं एंड एट एनी काइंड ऑफ माउंटेन और एनी रॉकी स्लॉप. कोई भी ऐसा स्लोपी जगह है जहां पे उसको उनको क्लाइम करना है, वो इजिली कर सकते हैं. ऑल्सो दे हैव लॉन्ग थिक हेयर, उनके हेयर लॉन्ग होते हैं, अगेन द सेम रीजन, दे कैन गिव, इट हेल्प्स देम टू सर्वाइव इन द क्लाइमेटिक कंडीशन, उनकी बॉडी को वार्मनेस देने में ये लॉन्ग हेयर हेल्प करते हैं. यूजुअली बच्चे क्या होता है, इन जो एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं, कोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं, वहां पे तब जो वहां के एनिमल्स होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं ड्यूरिंग विंटर टाइम, क्योंकि वो एक्सट्रीम
कोल्ड कंडीशंस में वो नहीं तो सरवाइव ज्यादा नहीं कर पाते, सो दे गो फॉर अ लॉन्ग विंटर स्लीप, जिसे क्या कहा जाता है, हाइबरनेशन कहा जाता है। हाइबरनेशन मींस द एनिमल्स गेट इनएक्टिव इन विंटर सीजन। क्लियर? क्या होता है बेटा हाइबरनेशन में, दे बिकम मोशनलेस, कोई मोशन नहीं करते, मींस दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे इवन डोंट मूव, दे कैन नॉट, नहीं, दे डू नॉट मूव एंड दे नॉट डू नॉट मूव फॉर देयर फीड ऑल्सो, वो अपना फूड के लिए भी नहीं मूव करते, वो लॉन्ग विंटर स्लीप में चले जाते हैं, एंड देयर रेस्पिरेशन, देयर हार्ट बीट, देयर मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी बिकम वेरी स्लो, बहुत स्लो हो जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा कम एनर्जी कंज्यूम होती है उनकी बॉडी में। एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी तो वो एनर्जी लेने की उनको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो दिस इज हाउ दे सर्वाइव इन दिस हाइबरनेशन। When they come out of this hibernation conditions, जब उनको favorable climatic condition मिलती है, means summer season आ जाता है, starting हो जाती है, winter season end होना start हो जाता है, उनका hibernation period भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है in animals का। सो क्लियर है बेटा? आज हमने दो हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा, जो हमने टेरेस्ट्रियल में पढ़ा है, दैट इज द डेजर्ट एंड माउंटेन हैबिटेट। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रास लैंड एंड फॉरेस्ट लैंड एंड नेक्स्ट अदर टू हैबिटेट्स ऑल्सो।